नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज। डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं मेघा खाड़े। आइए जानते हैं राजनीति से जुड़ी खास खबर। मुंबई के कुर्ला इलाके में आज कांग्रेस पार्टी ने जमकर प्रोटेस्ट किया। इस बार इनका प्रोटेस्ट बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हुआ था। इस आंदोलन में नगर सेवक अशरफ आजमी, हर्षद आजमी और दूसरे कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस अवसर पर नेताओं का आक्रामक रूप देखने मिला। मुंबई प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सभी वार्ड को निर्देश दिए गए थे और इस आंदोलन का अलग अलग जगहों पर आज समापन हुआ। देखो, आम आदमी का जीना हराम हो गया है, इतने दाम बढ़े हैं, आसमान छू रहा है। और आम आदमी के तरफ से कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हर जगह आंदोलन करेंगे। आज मुंबई के 7 तारीख से लेकर 17 तारीख कर मुंबई के हर ब्लॉक में इस तरह का आंदोलन हो रहा है। हमारे नगर सेवक हो, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं। और पूरे देश में इस तरह का वातावरण हम लोग तैयार कर रहे हैं कि ये जो नीतियां हैं इस सरकार का, इसका विरोध डट से करना चाहिए और किसी भी तरह इस सरकार को हटाना चाहिए। देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 2014 में महंगाई की कोख से महंगाई के खिलाफ, महंगाई को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी सरकार का जन्म हुआ था। उस वक्त आप अगर ध्यान देंगे तो मोदी जी जो अपने भाषणों में जब भाषण करते थे वो जनता के बीच, तो बार बार इस बात को दोहराते थे कि देवी और सज्जनों, जब आप वोट डालने के लिए जाना तो ज़रा सा महंगाई, सिलेंडरों के दाम क्या है उस पर ध्यान देना, जब आप वोट डालने जाना तो पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है ज़रा से उस पर ध्यान देना। तो आज महंगाई को रोकने के नाम पर जो सरकार बनी थी, 60 रुपये पेट्रोल का दाम था उस वक्त जब ये सरकार बनी थी, आज पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया। 50 रुपया डीजल का दाम था जब ये सरकार बनी थी, आज डीजल 90 रुपये से ऊपर चले गए। और 400 रुपये का रसोई गैस हुआ करता था जो आज 900 और 1000 रुपये का हो गया। लेकिन इन तमाम बातों के ऊपर सरकार को ध्यान देने की बजाय सरकार आज बात कर रही है जनसंख्या को कम करने की बात कर रही है। आप अगर ध्यान देंगे पुरानी बातों की तरफ तो ये सरकार ने पिछले 5-7 सालों में जो अर्थनीति जो अपनाई है, आर्थिक नीति जो इस उन्होंने अपनाई है, उस आर्थिक नीति के कारण से अगर पेंडेमिक आने के पहले 2019 में 20 में जो कोरोना आया उसके पहले ही इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी की दर जो थी वो 9% से ज़्यादा हो गई थी, 9% से ज़्यादा हो गई थी, जो पिछले 44 सालों में सबसे ज़्यादा थी। आज बेरोज़गारी इस मुल्क में 27% ज़्यादा हो गई है। लेकिन आपने देखा कि कोरोना पे काबू पाने की बजाय, महंगाई को रोकने की बजाय, किस तरह से मोदी की पूरी सरकार वेस्ट बंगाल में चुनाव में लोगों को और जमा करके उनकी जानों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। तो आज कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और मुंबई शहर में मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी और चरण सिंह सप्रा जी और हमारी ज़िले की नेता प्रियदत्त जी के नेतृत्व में पूरे ज़िले में आज हमारे ये पिछले 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक महंगाई के खिलाफ ये आंदोलन जारी है। ये तो एक शुरुआत है अभी, और इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये महंगाई और बढ़ती जाएगी, कांग्रेस इस सरकार के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी। आज लोगों की ये हालत है बेरोज़गारी और महंगाई को लेकर, ना उनके पास रोज़गार है कमाने के लिए कि वो पैसे कमा कर इस महंगाई का मुकाबला कर सकें। कितने आज ड्रॉप आउट देखिए स्कूलों में क्या हो गया है, इतने ज़्यादा बच्चे, इतने ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से वापस बुला रहे हैं क्योंकि उनके पास भरने को कोई फीस के पैसे नहीं हैं। तो महंगाई बेइंतहा है इस देश में, और कांग्रेस इस महंगाई के खिलाफ पूरी ताकत के साथ जनता के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी, और यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। कि इस मुल्क के अंदर ये बड़ी विडंबना है कि जब इस देश का एक आम आदमी मुद्दों की बात करता है तो इस देश का प्रधानमंत्री उसको दिलासा देने का काम करता है, और वो दिलासा किसी नारे के नाम पर होता है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो देशभक्ति के नाम पर हो। और आज ये सरकार, जब कोई लोग सड़क पर निकल कर इनके खिलाफ बात करते हैं तो वो उसको राष्ट्रवाद के नाम से जोड़ देते हैं और उसको ये कहते हैं कि देशद्रोही। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि वो कानून जो इस देश के अंदर देशद्रोही के नाम पर लोगों को कटघरे में खड़ा रहता है, उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी तादाद में किया कि एक आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए एक आम आदमी अब डरने लगा है, पत्रकार डरने लगा है। कितने लोग जेलों में। पार्टी ने, कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी के आदेश पर, मुंबई कांग्रेस के आदेश पर जो निर्णय लिया उसमें हमको ये कहा गया कि आप प्रत्येक वार्ड में हर जगह पर जाकर
लोगों को जागरूक करके ये बताइए कि जिसने महंगाई की दुहाई देकर, जिसने बेरोजगारी की दुहाई देकर इस देश की सत्ता पर कब्जा किया था, आज वो अपने वचन और कौल से फिर गया है। इसलिए तुम सत्ता के ऊपर बैठे हुए उस आदमी के खिलाफ लोगों को इस बात का एहसास दिलाइए कि देखो ये वही आदमी था जो आपको महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहा था, आज उसके पास कुछ भी बचा नहीं, इसलिए उसको भी बदलना चाहिए। हमने ये शुरुआत की है। कांग्रेस ये चाहती है कि इस देश में जो भी सरकार आए वो जवाबदार हो, जो भी सरकार आए वो लोगों की बात सुने, अपनी बात सुनाने की बजाय उनके दिल का दर्द महसूस करे। और इसी बात का संकल्प लेकर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता पूरे भारत में अपने क्षमता के भरोसे पर निकला है सड़क पर, और ये बोलने के लिए निकला है कि लोगों जागो, इस देश का ये बहुरूपिया आपको धर्म और राष्ट्रवाद के नाम का झूठा सहारा देकर आपको इस मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके अपने धन्ना सेठों की तिजोरियों को भरना चाहता है। गरीबी कहाँ पहुँची है, बेरोजगारी कहाँ पहुँची है। मैंने अभी अपने भाषण में कहा कि गैस का दाम आज दुगने से भी ज़्यादा हो गया है, पेट्रोल और डीजल का दाम, खरीदारी जो है वो पिछले मुकाबले में 25 गुना रह गई, लेकिन उसके बावजूद जो खरीदा जा रहा है वो उसमें 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकार के तिजोरी में हर साल आ रहा है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान आपने भी सुना होगा कुछ महीना पहले, लेकिन एक आदमी आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर जिसके खाते में 5,000 रुपया उस 20 लाख रुपये की रकम से आया हो। तो आप बताइए कि जो झूठ बोलता हो और झूठ बोलने के बाद उस झूठ के खिलाफ किसी को खड़ा नहीं होने देने के लिए मीडिया को खरीद लेता हो और उस मीडिया के मुंह को पैसा भरने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों की तिजोरियों को भर देता हो, उससे मुकाबला करने के लिए कौन सड़क पर आएगा। इसलिए हम आए हैं और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। निकलिए सड़क पर, आइए हमारे साथ, इस भ्रष्ट सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, इस सत्ता से बेदखल करके हम लोगों का राज लोगों के लिए लाने का संकल्प लेकर सड़क पर आए। मैंने आपको यही कहा कि लोग डर से खामोश हैं। आप यकीन मानिए, जिनका भी आपने नाम लिया है इसमें से एक भी सेलिब्रिटी ऐसा नहीं है जिसका जमीर उसको कचोटे नहीं मार रहा हो, जिसका जमीर उसको एहसास नहीं दिला रहा हो कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो जानता है लेकिन वो डरता है, कल ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, कल बड़े बड़े एजेंसीज आकर उसके सर पे खड़े हो जाएंगे, उसका घर जब्त हो जाएगा, उसके 20 साल पुराने कोई केसेस निकल आएंगे तो कौन लड़ने जाएगा। उसमें उन लोगों के खिलाफ अगर लड़ने का किसी को दम है तो वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी राहुल गांधी जी ने कल सोशल मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो डर रहे हैं अपने महलों को, अपने घरों को बचाने के लिए, वो हमारे साथ मत आएं, लेकिन जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं उनमें एक आदमी का भी भला अगर पूरी कांग्रेस ने मिलकर हिंदुस्तान में कर दिया तो हम ऐसा संघर्ष पूरी जिंदगी करने के लिए तैयार हैं। डीआरवी न्यूज में बस अभी के लिए इतना ही। इस तरह की वीडियो देखने और सुनने के लिए डीआरवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे कमेंट, इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।